Assalamu alaikum, grade 7. How are you? Faiza Nadeem is standing here in front of you. And as usual, with everyone over here, under this roof, we are wishing, hoping and praying that all of you are hale and hearty, happy and ecstatic, going to school and enjoying your life. So what we are going to do today? We are going to do creative writing. And what in specific are we going to do in creative writing? Let's find it out. Come with me. Yes, my dear children, what is the board telling you? The board is telling you that you are going to write an application to the principal of your school asking for fee exemption. Fees ki exemption aapne mangni hai school se. एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को लिख के. सबसे पहले ये याद रखो बेटा कि प्रिंसिपल जो होता है आपका वो हमेशा पी आर आई एन सी आई पी ए एल होता है. वो कभी भी आपका पी एल ई नहीं होता, पी एल ई होता है रूल्स. उसके बाद ये कि हम बना लेते हैं रूब्रिक ये जानने के लिए कि जब हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो किस चीज के कितने मार्क्स हैं. ठीक है, जैसे अब हम ये रूब्रिक बनाते हैं जो हमें ये बताता है कि जो कंटेंट है ना हमारा जो हम लिख रहे हैं उस कंटेंट के हैं 50% वेटेज. ठीक है, आपका जो पैटर्न है उस पैटर्न की है 30% वेटेज, और जो आपकी मैकेनिक्स है यानी आपकी स्पेलिंग एरर्स और आपकी टेंसेस एरर्स और आपकी हायाकी की एरर, वो तमाम एरर्स आपकी कैरी करती है 20% वेटेज. इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कंटेंट और पैटर्न अकॉर्डिंगली है तो आप 80% मार्क ले रहे हो इवन इफ आपने तकरीबन सारी स्पेलिंग्स गलत लिखी हो. ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्पेलिंग्स और ग्रामर गलत लिखना शुरू कर दें. सब चीज़ों को बहुत ध्यान से रखते, सबसे खास पैटर्न को, ये 30% फ्री के मार्क्स हैं. राइट, तो ये दोनों मिलके 80% होते हैं. इसका बहुत ध्यान रखना है कंटेंट ये कि जो चीज़ आपको कही गई है वो आपने डायरेक्टली लिखनी है. ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशंस और लेटर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं बेटो फॉर्मल और एक होते हैं बेटे इनफॉर्मल. ठीक है, फॉर्मल कौन से होते हैं? फॉर्मल वो होते हैं जो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो, जो आप किसी मैनेजर को लिख रहे हो, जो आप एडिटर को लिख रहे हो. ठीक है, चाहे वो एप्लीकेशन हो या लेटर हो या वो ईमेल हो. ठीक है, ये दो तरह की होती हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल. इनफॉर्मल कौन सी होती है? इनफॉर्मल बेटा वो होती है जो आप लिखते हो अपनी फैमिली को या फ्रेंड्स को. ठीक है, जब आप फॉर्मल लिखते हो तो आप डायरेक्ट सर या मैडम से शुरू करते हो. ठीक है, और जब आप इनफॉर्मल लिख रहे होते हो तो आप डियर उसमें लगा देते हो, डियर सर, डियर मैडम, dear and the name of the person you are addressing to, dear father, dear mother, whatever, dear bhai, dear sis, dear bro, whatever you want to write to. Iske alawa jab aap formal khatam kar rahe ho na, depending upon the person you are addressing your letter to, aap likhte ho yours truly ya yours obediently. ठीक है, लेकिन जब आप इनफॉर्मल लिख रहे हो तो आप डायरेक्ट लिखते हो yours lovingly, क्योंकि वो आपके ऐसे रिश्ते हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हो. ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हम फी एग्जेम्पशन के लिए क्या लॉजिक देंगे. ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि फादर लॉस्ट हिज जॉब, कि आर फादर हैज लॉस्ट हिज जॉब ड्यू टू कोरोना.
ठीक है, और ड्यू टू समथिंग एल्स, और ग्रैंड पेरेंट्स, आर सिवियरली इल, एंड दे कैन बी योर पेरेंट्स एज वेल हु आर गेटिंग सिवियरली इल. सो यू कैन गिव अ मल्टीपल रीजंस फॉर द फी एग्जम्पशन. व्हाई नॉट वी स्टिक टू द लूजिंग ऑफ द जॉब. ठीक है, हम ये पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स सिवियरली इल नहीं करते, हम ये लूजिंग ऑफ द जॉब कर लेते हैं इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि आपका कोई बीमार पड़े, कोई अपना, कोई प्यारा. अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे के रखे. ठीक है, तो हम लिखेंगे द लूजिंग ऑफ द जॉब. ये मैंने गलत टिक डाल दिया, ये मुझे इधर डालना था लूजिंग ऑफ द जॉब में. ठीक है, तो चलो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपका पैटर्न, आप कैसे शुरू करोगी, आप लिखोगे टू. ठीक है, द प्रिंसिपल अलाइड स्कूल एंड वॉट एवर कैंपस यू आर इन. ठीक है, सिटी कैन बी एक्स वाई जी. चलो मैं यहां लाहौर लिख देती हूँ. एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू, ब्रैकेट्स में इसलिए क्या है कि यू कैन हैव एनी. इसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, आपने लिखना है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है, आपका एप्लीकेशन लिखने का पर्पस. गवर्नमेंट ऑफिस में ये ऐसा होता है कि आपकी एप्लीकेशन सब्जेक्ट वाइज सॉर्ट हो जाती हैं और उसके बाद एक ही सब्जेक्ट की एप्लीकेशंस को एक साइड पे करके इकट्ठा पढ़ लिया जाता है. तो आपने सब्जेक्ट लिखना लाजमी है, आपके लिए सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी है, उसको मिक्स नहीं करना. अब डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन हु इज योर प्रिंसिपल, सर है तो सर, मैडम है तो मैडम. हम यहाँ पर सर लिखते हैं. ठीक है, सर कॉमा. अब ये आपका फॉर्मल लेटर है, इसमें आपने हाउ आर यू, हाउ इज योर लाइफ, हाउ इज योर फैमिली नहीं पूछना. ठीक है, कभी आपने प्रिंसिपल को जाके बोला हेलो प्रिंसिपल, हाउ आर यू, हाउ इज योर वाइफ, हाउ इज योर फैमिली, कभी नहीं पूछा ना. ठीक है, तो ये आपने कभी नहीं पूछना, आपने डायरेक्ट स्ट्रेट अवे जो आपका रीजन है उस पे जाना है, बिकॉज प्रिंसिपल के पास इतना टाइम नहीं है कि वो फजूल बातें पढ़े. आपने फॉरन स्ट्रेट अवे स्ट्रेट टू द पॉइंट जाना है. आप लिखेंगे इट इज स्टेटेड दैट आई योर नेम स्टूडेंट ऑफ 7 section of your esteemed school want or request you to exempt my fee. ठीक है, और फिर यहां पे लिखने द रीजन इज दैट माई फादर हैड लॉस्ट हिज जॉब ड्यू टू द करंट पेंडेमिक, ही हैड बीन शॉर्टलिस्टेड. द रीजन के बाद आपने लिखना है कि माई फादर हैड लॉस्ट हिज जॉब एज ही वॉज शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम हिज कंपनी ड्यू टू द करंट पेंडेमिक. सिंस He was the sole earner of the family. We are in a tight situation, right? The current situation is very tight and it is extremely difficult for us to make both ends meet. So we request you to exempt my fee until my father finds a new job.
ये लिख के सेकेंड पैराग्राफ में आप थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू विल एग्जेम्प्ट माई फी फॉर अ फ्यू अपकमिंग मंथ्स एज वी विल स्टार्ट पेइंग इन फुल एज सून एज माई फादर फाइंड्स अ न्यू जॉब। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक लाइन छोड़ के फिर लिखना है योर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंटली इसलिए कि आप उनके ओबीडियंट हो, आप उनके स्टूडेंट हो। यहाँ पे यू राइट योर नेम, चलो मैं अपना नाम लिख देती हूँ, फायजा नदीम। ठीक है, ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। और उसके बाद आपने लिखनी है डेट, आपने लिखनी है यहाँ डेट, और इसके आगे आप डेट लिख देंगे कोई भी हाइपोथेटिकल डेट। ठीक है, जो एग्जिस्ट करती हो, 12 महीने हैं और 30 या 31 दिन होते हैं हर महीने में एक्सक्लूडिंग फेब्रुअरी। ऐसा ना हो कि आप 16वें महीने की 64वीं तारीख लिखते, लाइक 64, 16 और 20, 57। 20, 57 आप लिख सकते हो, लेकिन लिखो हाइपोथेटिकल। ठीक है, 1 to 12 मंथ्स की, 1 से 30 या 31 तक डेट, और अगर सेकेंड मंथ की लिखनी है तो 28 या 29। ठीक है, ये आपका कंप्लीट पैटर्न है। इसके अंदर आपका जो कंटेंट है वो भी मैंने कंप्लीट दे दिया। चीज जो याद रखनी है वो क्या है, वो ये है कि डियर नहीं होगा, योर्स ट्रूली नहीं होगा, हाल चाल नहीं पूछना, डायरेक्ट बात करनी है, सब्जेक्ट लाजमी लिखना है, कॉमास प्रॉपरली डालनी है, फुल स्टॉप्स प्रॉपरली डालनी है, योर्स ओबीडियंटली से एंड करना है, हाइपोथेटिकल डेट डालनी है, और ये कि टू द पॉइंट स्किम और स्कैन बात करनी है। ठीक है, शॉर्ट एंड क्रिस्प गुफ्तगू करनी है, इससे ज़्यादा बात नहीं बढ़ानी, क्योंकि ये अगेन आई री इन्फोर्स फॉर्मल लेटर है। क्विक रिकैपिटुलेशन कर लें आज के लेसन की। आज हमने क्या किया, आज हमने की एप्लीकेशन राइटिंग, अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखी रिगार्डिंग द फी एग्जेम्पशन। एप्लीकेशन लिखना, मुझे दुआ में याद रखना, हंसते खेलते रहना। ठीक है, जब तक हम दोबारा मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।